हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? और आपका खूब सारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिंदास ब्लॉग में। तो अभी ये मेहंदी लगाई है तो मेरे से इसका मेहंदी थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो आज छठ खरना है, तो मतलब छठ का दूसरा दिन है, तो सबको खूब सारा शुभकामनाएं। और आप लोग भी अच्छे से छठ मनाएं, हम लोग भी अच्छे से मना रहे हैं। तो और ये अभी सो के उठ के अभी अभी मेहंदी लगा ली है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि इसका मेहंदी कैसा लग रहा है। जल्दी जल्दी लगाए हैं, थोड़ा सा बस ज़्यादा कुछ नहीं किया है। हाँ, ये जल्दी जल्दी लगा ली है। उसके बाद अभी हम लोग चल रहे हैं खाना बना देने, और खाना बन जाएगा उसके बाद से फिर और पूजा का बर्तन वगैरह ये सब धोना है, तो उसके बाद से पूजा वाले में हम लोग लगे हम लोग। और आज मम्मी साड़ी में अपना फॉल्स लगाएगी, तो मम्मी अभी जा रही है नहाने, नहा के वो अभी तो दिन में कोई ऐसे काम नहीं होता है, शाम में पूजा होगा, तो दिन में बस बर्तन वगैरह ये सब पूजा का धोना होता है। तो हम लोग चल रहे हैं जल्दी जल्दी खाना बना लेने, और खाना बना के फिर उसके बाद पूजा वाला काम करेंगे। तो और मेहंदी भी लगाना है, तो आप हमारे ब्लॉग में इन तक बने रहिएगा। इस ब्लॉग में आपको मेहंदी का डिज़ाइन भी देखने को मिलेगा, जैसे ये मिल गया, देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। तो आप लोग भी ऐसे ही मन करे तो ऐसे ही लगा लीजिएगा। सिंपल है और बहुत अच्छा लुक दे रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर हमारे ब्लॉग में इन तक बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए फिर देखते हैं। तो यहाँ मेरा खाना बन के रेडी हो गया। लकड़ी, आम का लकड़ी। आज जो खाना बनेगा शाम में, मीठा वाला खीर बनेगा और रोटी बनेगा, तो वो आम के लकड़ी पे ही बनता है। तो यहाँ आम का लकड़ी, ये पापड़ लकड़ी काट के ला के रख दिए हैं धूप में कि सूख जाए। और ये पुआल आ गया है, तो मम्मी कल इसी पे सोएगी, बेड पे नहीं सोएगी। तो अभी अच्छा एक और नाम है, बताओ बताओ ना। पी से है तुम्हारा नाम? नहीं, एक और है। नहीं है, एक और है, बताओ। वाह, पंखुड़ी देखे पीछे, ये तो पूरा ब्रासलेट बन गया है। बाय। तो गाइज, ये है मम्मी का साड़ी, और अभी मम्मी फॉल्स लगा रही है। तो देखिए कितना सुंदर साड़ी है, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा साड़ी। वैसे बहुत सुंदर लग रहा है ये। और अभी पापा सबके लिए कपड़ा लाए हैं, तो सबका कपड़ा सबको डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि कल छठ घाट जाने टाइम किसी को दिक्कत ना हो ढूंढने में, तो सबको दिला रहा है। और मेरा सारा बर्तन भी धुला गया, ये देखिए। अब हम लोग नीचे चल रहे हैं, तो प्रसाद का काम लगेगा। गाइस, अभी सारा काम हो गया है, और थोड़ी देर बाद प्रसाद बनना स्टार्ट होगा। तो मतलब ये छठ का टाइम ऐसा होता है ना कि, और अभी तो ठंडा स्टार्ट हो रहा है, तो दिन भी थोड़ा छोटा छोटा होने लगा है। तो दिन पता नहीं कब, वैसे लेट से आदमी सो के उठता है, और जब कब शाम हो गया पता ही नहीं चलता। तो अभी तो मतलब काम है तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि इस बार तो हम पटना गए थे, तो मेरा उस टाइम क्लास भी नहीं था, और फिर उसके बाद से मतलब मेरा क्लास क्लोज हो चुका है। तो हम महिंद्रा से, बोरिंग रोड महिंद्रा से हम बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद से हम कुछ दिन तक PCS ज्वाइन किए, उसके बाद से फिर हम खुद से अपना मतलब हम घर पे ही अपना प्रैक्टिस करते हैं, और इंटरव्यू भी देते हैं, जैसे प्राइवेट बैंक का भी दिए, तो अभी उस सब का भी इंटरव्यू चल रहा है। देखिए, माता रानी छठी माता का कृपा होगा, तो अब छठ के बाद कुछ ज़रूर होगा।
तो और आप लोग का भी, आप लोग भी जो मेरे से नए नए जुड़े हैं, तो आप लोग भी, आप लोग का भी आशीर्वाद होगा तो हम लोग ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग भी माता रानी से प्रे कीजिए कि जल्दी छठ के बाद मेरा जॉब हो जाए और फिर उसके बाद हम, और पता है गाइस, मतलब ये छठ पहले, इस बार जो छठ हो रहा है उसमें मतलब सारा काम हम, मतलब हम ही लोग हैं इसमें, इस छठ में। तो पहली बार जो जो काम, जैसे कि प्रसाद बनाना, मतलब ये भी छठ, जितना सारा छठ में काम होता है उस, वो सब में इन्वॉल्व पहली बार हम हो रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो भी होता था उसमें छोटी मम्मी रहती थी तो मम्मी के साथ वो पूजा का करती थी और हम उधर का कर लेते थे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और पता है गाइस, मतलब मेरी दादी को नहीं रहे 2 साल हुए, और 2 साल में ही मतलब इतना ज़्यादा हम लोग क्या कहते हैं कि मतलब इतने, इतना ज़्यादा बड़े हो गए, इतना मतलब उस टाइम तक हम लोग एकदम बच्चे की तरह रहते थे, कुछ से कोई काम धाम से कुछ मतलब नहीं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ नहीं, बस खाना पीना पढ़ना, इतना ही काम हम लोग का था, दूसरा कोई काम से हम लोग को कोई मतलब ही नहीं रहता था। लेकिन जब से 2 साल हुआ दादी को गए, और उसके बाद से हम लोग, क्योंकि कहा जाता है कि जब खुद पे जब कुछ पड़ता है तो तब सारा कोई आदमी सब कुछ सीख जाता है, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लोग घर में, वहाँ हम 5 रहते हैं, मम्मी पापा और हम सिंकू बोगा, तो वहाँ पढ़ना रहते हैं, तो मतलब धीरे धीरे हम लोग सारा कुछ देखने लगे, हर काम में इन्वॉल्व होने लगे, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, मम्मी का हेल्प, पापा का हेल्प, कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसे ये सब हम लोग बात बात करने लगे और हर काम को समझने लगे, जानने लगे। तो वहीं इस बार भी छठ में दादी रहती थी, तो दादी, तो मेरी दादी एकदम यंग थी, अचानक से, बहुत एकदम अचानक से हुआ, कभी हम आप लोगों को बताएंगे, मतलब एकदम जो होता है ना कि घर हम लोग के लिए मतलब एकदम माँ से कम नहीं थी, सारा कुछ मतलब हम लोग सब कुछ डिपेंड थे दादी पे ही, जो कुछ भी हो दादी से ही बोलना, जैसे आना जाना कुछ भी हो, ये चाहिए वो चाहिए कुछ भी, यहाँ तक पापा मम्मी हर कोई सारा कुछ दादी से ही बोलते थे। तो ऐसे हम लोग मोतिहारी भी रहते थे, तो दादी कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब ज़्यादातर वहाँ ही रहती थी, तो हम लोग को मतलब बहुत ज़्यादा लगा। तो फिर अभी जो हम लोग काम वाम एक एक काम कर रहे हैं, तो पहले दादी बोलती थी कि नहीं, हाँ तुम अभी, तुम लोग बच्ची हो, नहीं करना है, नहीं नहीं, और फिर 2 साल ही बस हुए, 2 साल में ही हम लोग इतना सारा काम सीख गए, हर कुछ सीख गए। तो अभी पूजा पाठ का जो काम चल रहा है उसमें जो भी आदमी जो भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, ऐसे भी पूजा पाठ में बहुत याद आता है। तो चलिए, ये सब तो पता नहीं, जो लिखा हुआ होता है वो तो होता ही है। तो फिर अभी हम चल रहे हैं, और इस बार से छठ पूजा में इतना सारा कुछ किए कि लग, अब तो सब कुछ आ ही गया करने, सारा कुछ ऐसे भी अब तो सीखना भी चाहिए सारा कुछ। बेसिकली हमको खाना बनाना अच्छा लगता है, मतलब खाना, कुकिंग पसंद है, लेकिन पहले टाइम भी नहीं मिलता था, क्लासेस वगैरह थे, और उसके बाद से फिर हम पटना चले गए तो हॉस्टल में थे तो खाना बनाना नहीं पड़ता था, और उसके बाद फिर लॉकडाउन लगा तो घर आए, तो घर से, और जब तक दादी थी तब तक कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं करते थे लोग। और उसके बाद इस बार जो लॉकडाउन लगा तो उसमें बहुत कुछ बनाना सीख गया, फिर करते करते फिर मन भी लगने लगा। तो खाना बनाना सबको आना चाहिए, क्योंकि कितना भी कुछ हो, अगर मेरा सबसे ये है कि मतलब सबसे पहले तो ये है कि हम जॉब ले ले जल्दी से जल्दी। मेरा 20 में मेरा फाइनल हुआ BCA, और उसके बाद से हम पटना पहले भी रहते थे, लेकिन उसके बाद से जब हम थे पटना तो महिंद्रा ज्वाइन किए और बैंकिंग का प्रिपरेशन किया। फिर हम सोचे कि नहीं, गवर्नमेंट मतलब अपना होते रहेगा, प्रिपरेशन करते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमको ज़रूरी है कि कहीं हम सेट हो जाए, तो इसलिए हम प्राइवेट बैंक का भी इंटरव्यू दिए हैं। देखिए, माता रानी छठी मैया का अगर कृपा होगा तो छठ के बाद ज़रूर कुछ अच्छा होगा। तो आप लोग भी अपना प्यार बनाए रहिएगा मेरे ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग को एंड तक देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा गाइज।
वैसे अभी हम नहा के आ गए हैं और जल्दी से अभी हम लोग खाना मतलब वही प्रसाद बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अभी प्रसाद बनना स्टार्ट हो गया है। तो अभी जो चूल्हा होता है, चूल्हा में आग जलाया जाता है, तो वही थोड़ा सा मम्मी जलाई है और फिर हम जला रहे हैं। तो ये देखिए मम्मी खीर बना रही है, जो मीठा वाला खीर होता है ना वो बनता है। तो अभी देखिए खीर बन रहा है और रोटी भी बन गया, अब पूजा स्टार्ट होगा। तो गाइस पूजा हो गया और इसी छठ का सेकेंड दिन यानी खरना के साथ हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।